हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। कंपिटिटिव कोडिंग की इस वीडियो सीरीज में मैं फ्रेंड्स आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है FLOW001। बेसिकली आप लोग जब लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि किसी भी दो नंबर को ऐड करना, वो आप लोग सभी कर सकते हैं। एक नंबर लेना है ए, दूसरे में लेना है बी, देन आउटपुट करवा देना है ए प्लस बी। बट इसी को कहते हैं कंपिटिटिव कोडिंग। इसको कंपिटिटिव कोडिंग के व्यू में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कोडशेफ का ये प्रॉब्लम, आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ ऐड टू नंबर्स प्रॉब्लम कोड, कोड इज FLOW001। ऑल द जो पहले स्टेटमेंट बताया था, ऑल सबमिशंस फॉर दिस प्रॉब्लम आर अवेलेबल। ओके, पहले एक बार वीडियो से आप पॉज कीजिए, देन क्वेश्चंस पढ़िए, देन फिर मैं फिर समझाता हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा। नाउ शिवम एक यंगेस्ट प्रोग्रामर है जो कि सिर्फ 12 साल का है। ओके, शिवम इज लर्निंग प्रोग्रामिंग, वो प्रोग्रामिंग सीख रहा है। एंड टुडे ही इज राइटिंग हिज फर्स्ट प्रोग्राम, और आज उसको पहला प्रोग्राम है। नाउ प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, प्रोग्राम बहुत ही सरल है। गिवन टू नंबर, दो नंबर दिया हुआ है ए एंड बी। ओके, टू इंटीजर्स, ये रहा पॉइंट करने वाली बात, बोल्ड अंडरलाइन, मतलब कि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ए और बी सिर्फ इंटीजर ही हो सकते हैं। बट इट मीन्स कि वो क्या नहीं हो सकते हैं, डेसिमल वैल्यूज नहीं हो सकते हैं, मतलब कि हम लोग डबल या फ्लोट नहीं मानेंगे। इससे ये क्लियर हो गया। नाउ राइट ए प्रोग्राम टू ऐड दिस नंबर, अब प्रोग्राम लिखिए जिससे कि इस दो नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं इनपुट, इनपुट कैसे मिल रहा है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर टी, पहला लाइन में टी दिया हुआ रहेगा, तो देखते हैं। यस, पहला लाइन में टी दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है कि कितने टेस्ट केसेस हम लोग पास कर रहे हैं, टी का वैल्यू कितना हो सकता है, आइए हम लोग वो भी देखेंगे। देन फॉलो द टी लाइंस, टी को फॉलो करते हुए ईच लाइन कंटेन टू इंटीजर्स ए एंड बी। अच्छा, थ्री है तो पहला लाइन में ए और बी, दूसरा लाइन में ए और बी, एंड तीसरा लाइन में ए और बी। ओके, आउटपुट क्या देना है, एड ए प्लस बी एंड डिस्प्ले इट, दोनों को जोड़ना है और डिस्प्ले कराना है। ओके, कंस्ट्रेंट इट मीन्स की रेंज, हमारे पास रेंज क्या क्या है। ओके, टी का वैल्यू जा सकता है 1000 तक, मतलब टोटल वो 1000 टेस्ट केस दे सकता है, मतलब 1 2 जो तीन बार है, ऐसे करते 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 1000 टाइम्स तक हो सकता था। और ए और बी का वैल्यूज क्या है, 10000 तक है। इट मीन्स कि इससे ये क्या पता चल रहा है कि हम लोग लॉन्ग लॉन्ग इंट मानने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इंट में काम चल जाएगा। 1+2 का सबमिशन 3, 100+200 का सबमिशन 300, 40+10 का सबमिशन 50। आउटपुट इज क्लियर। नाउ ऑल द, कल मैंने बात की थी लेक्चर में, ऑथर इस आईडी के मालिक ने ये क्वेश्चन बनाया है, इतना तारीख को बनाया है, रन टाइम 1 सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड के अंदर अंदर हमारा कोड रन कर जाना चाहिए, 50000 बाइट्स मेमोरी लेना चाहिए, और इन सारे लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। बेसिकली ये ऐसे जनरल क्वेरीज या ऐसे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है। बेसिकली हमारा काम तो यहीं तक होता है कि इनपुट क्या है, आउटपुट कैसे देना है, इनपुट कैसे लेना है, आउटपुट कैसे प्रिंट कराना है, और कंस्ट्रेंट क्या क्या है, इट मीन्स की रेंज क्या क्या है जो वेरिएबल्स दिए हुए। तो आइए कोड स्टार्ट करते हैं। नाउ ओपन द एक्स कोड, इट मीन्स की योर देव सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक्स। नाउ आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। यप, मतलब कि आप लोगों ने ये कोड किया होगा, बस इसे एक जनरल पर्पस में फ्रेम कर दिया कि वो एक्स नाम का लड़का कोडिंग कर रहा है एंड उसका आज पहला प्रोग्राम है, दो नंबर ऐड करना चाह रहा है, तो वो कोड क्या करेगा। ओके, नाउ इंट मेन, आप लोग खुद कोड लिखिए मेरे साथ साथ। पहले क्या कीजिएगा, इंट टी कीजिएगा, इंट टी कीजिएगा, यस कैपिटल टी मान लेते हैं, सी इन कैपिटल टी। अब जो यहाँ गौर कीजिएगा, स्मॉल टी नहीं चलेगा, यहाँ आपको कैपिटल टी ही रखना पड़ेगा। देखिए स्मॉल टी रखूंगा एरर आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। यस इट कम्स एन एरर, यूज ऑफ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर टी, आपने स्मॉल टी डिक्लेयर नहीं किया है, आपने कैपिटल टी डिक्लेयर किया है, तो ये जनरल गलती होती है, इस गलती को ध्यान रखिएगा। अब हम फॉर लूप चलाते हैं, इंट मैंने कल सिखाया था कि अंदर में इंट इनिशियलाइज कर सकते हैं, आई लेस देन कैपिटल टी आई प्लस प्लस। अब t जितना बार होगा, t का वैल्यू 3 होगा तो 3 बार लूप चलेगा, 5 होगा तो 5 बार चलेगा, और हर लूप पे a और b मिल रहा है हम लोग को। तो हम अंदर में वेरिएबल मानेंगे int a कॉमा b,
सी इन को भेजेंगे, जाओ भैया तुम ए ले लेना, उसके बाद तुम बी ले लेना। हर लूप पे ए और बी मिल रहा है नाउ, फिर सी आउट क्या करा देंगे, सी आउट ए प्लस बी, जो मिल गया उसको सीधा दोनों को जोड़ के हैंडल कर देंगे। नाउ वेट कि हर लाइन चेंज हो रहा है, हर आउटपुट के बाद लाइन हमारा चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लाइन चेंज कर देंगे। डेट्स इट, कोड इज ओवर, पक्का? यस, कोड इज ओवर। नाउ कंट्रोल प्लस ए, कॉपी एंड वेर इज एड टू नंबर। फिर वही आप लोग बिगिनर सेक्शन में जाइएगा, नाउ कोड सेक्शन बिगिनर सेक्शन में जाइएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस कहाँ पे था। इसको नीचे कीजिएगा, स्क्रॉल करते 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 नीचे आया, एड टू नंबर्स में जाएंगे। कल हम लोगों ने ये इनऑर्डर इनपुट टेस्ट किया था, हम लोग एड टू नंबर कर रहे हैं। सबमिशन में जाएंगे, सबमिट, नाउ पेस्ट आवर कोड, वी पेस्ट इट एंड पेस्ट सबमिट। रनिंग नाउ, इस लेक्चर में बधाई हो, हमारा कोड फिर से रन कर गया, करेक्ट आंसर यस। बहुत खुशी होती है जब ये कोड खुद से कीजिएगा ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यस मैंने एक कोड किया आज, और वो धीरे धीरे इस खुशी लालच में तब्दील हो जाती है कि मुझे कोड करना ही है। आप लोग रोज़ प्रैक्टिस कीजिए अपने अपने लेवल पे। आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे अपने मेरे वीडियोस में कमेंट करके बताइए। प्लीज़ सब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए। बेसिकली आप लोग रोज़ कोड कीजिएगा ना, लिख लिख के। आप लोग जो मैं कोड करवाता हूँ, आप लोग फिर से लैपटॉप बंद करके कोड सोचिए या मोबाइल ऑफ करके कोड सोचिए, कोड को राइट डाउन कीजिए कॉपी में, अपने कंपाइलर पर रन कीजिए, देन अपने फिर आईडी पे सबमिट कीजिए। फिर धीरे धीरे ये आदत काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में कन्वर्ट करेगी, फिर ये प्रैक्टिस आपको एक जीत में कन्वर्ट करेगी। इसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको कोड आज नहीं समझ में आ रहा होगा या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जितना समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, बताइए। जो कोड जिनका कोड सबमिट हो जा रहा है आप वो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता लग पाए कि मैं किस तरह आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। कोई दिक्कत हो रहा तो आप वो भी कमेंट करके बताइए। दैट्स इट, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।